आपातकाल के विरुद्ध अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष व रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी 5 नवंबर से 15 नवंबर तक जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तरीय विरोध प्रदर्शन करेंगी। इन विरोध प्रदर्शनों में देशव्यापी धरना प्रदर्शन, नुक्कड़ सभाएं व गोष्ठियों, बर्तनों के साथ जिले के मुख्य बाजारों में प्रदर्शन और चौपाले आदि होंगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तिवारी ने बताया कि 6 व 7 नवंबर को ब्लॉक को तहसील कचहरी और विभिन्न कॉलेजों में भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने वाले पर्चे का वितरण किया जाएगा। 15 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन सभा व जिला प्रशासन को ज्ञापन लेकर 10 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन किया जाएगा। सरकार की नीतियों के कारण अपने भारत अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसी के बारे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि हम जो देश की अर्थव्यवस्था है, इसकी वजह से हमारे देश का नौजवान युवा साथी हमारे ये बेरोजगार हो रहा है। तमाम लोगों की नौकरियां इस अर्थव्यवस्था की गलत नीतियों के कारण जो गिर रही है, इसके नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है। देश का नौजवान भटक रहा है। कल कारखाने बाजारों में मंदी छा गई है। किसान मंदी की वजह से आत्महत्याएं कर रहा है। जीडीपी का स्तर पिछले 5 सालों में सबसे